ओम शांति। हमारा ये जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है। अपने जीवन को स्वयं महत्व दें, अपने अनमोल समय की कीमत को पहचानें और जान लें कि हमारा एक एक संकल्प बहुत ही कीमती है, बड़ा महान है। उसकी एनर्जी सारे संसार को पहुंचती है। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो वो निगेटिव एनर्जी भी वायुमंडल में फैलकर वातावरण को दूषित करती है और स्थापना के कार्य में सूक्ष्म रूप से बाधा पड़ती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। इस समय हम सभी अपने विकर्म विनाश करने के लिए आवाज से योग लगा रहे हैं। जितना पावरफुल हमारा योग लगेगा, अर्थात मन निर्संकल्प रहकर एक की याद में मग्न हो जाएगा, उतने ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। और जितने जितने हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे संस्कार बदलते जाएंगे, हम बहुत हल्के होते जाएंगे, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हमारे विघ्न समाप्त होते जाएंगे, हमारी टोटल स्थिति में वृद्धि होगी। तो हम ध्यान दें, हमें विकर्म विनाश अवश्य करने हैं, क्योंकि अगर विकर्म हमने विनाश न किए तो उनका फल हमें भोगना पड़ेगा और वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि विकर्म थोड़े नहीं, 2500 साल में न जाने कितने विकर्म किसने कर लिए हैं। इसलिए अब बहुत अच्छी तपस्या करके स्वयं को विकर्माजीत बना देना है। और जैसे जैसे हम विकर्मों से मुक्त होते जाएंगे, एक सूक्ष्म स्वरूप, एक सूक्ष्म पहचान हम अपनी कर सकेंगे कि हमसे अब और कोई विकर्म नहीं होगा। न झूठ, न चोरी, न ठगी, न विकारों का, न किसी को धोखा देने का, न क्रोध करने का, ये सब चीजें शांत होती जाएंगी। तो हम विकर्म विनाश कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमारे सूक्ष्म विकर्म न होते रहें, क्योंकि अगर हम सूक्ष्म विकर्म करते रहेंगे तो उसकी सजा 100 गुनी हो जाएगी और हम हल्के नहीं हो पाएंगे। हम इन विकर्मों के बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आइए चेक करें, हम किसी की खुशी तो नहीं छीनते, हम किसी की स्थिति को डिस्टर्ब तो नहीं करते, हमारे कारण कोई मनुष्य परेशान तो नहीं रहता है, हमारी दृष्टि देह पर तो सदा नहीं रहती है, देह का आकर्षण तो हमें नहीं है, या देहधारियों के बारे में बहुत सारे विकल्प तो हमारे मन में नहीं चलते हैं, क्योंकि ये सभी सूक्ष्म विकर्म हैं। और यदि ये बढ़ते रहे तो आत्मा बोझिल होती जाएगी और बोझिल आत्मा, बोझिल मन कभी ऊपर उड़ नहीं सकेगी। हमारा योग भी भारी कठिन हो जाएगा और जीवन में खुशी भी बिल्कुल नष्ट होती जाएगी। जिनको व्यर्थ बहुत चलते हैं, जिनका योग नहीं लगता, जो बहुत परेशान रहते हैं, समझ लें कोई ना कोई सूक्ष्म विकर्म अवश्य हो रहा है। तो आइए हम सभी विकर्मों से मुक्त बनकर निर्विकारी बने, विकर्माजीत बने, ताकि हमारे द्वारा इस स्थापना के कार्य में सदा महान योगदान होता रहे। केवल धन दे देना, केवल तन लगा देना ही, केवल यज्ञ सेवा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें बहुत बहुत योगयुक्त रह के विकर्माजीत बनकर इस स्थापना के कार्य को संपन्न करना है। तो आज हम स्वमान में रहेंगे, मैं राज ऋषि हूँ, बहुत रॉयल हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ।
चलता फिरता फरिश्ता मुझसे चारों ओर निरंतर वाइब्रेशन फैलते हैं। मेरी लाइट के प्रभाव से संसार का अंधकार दूर होता है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलेंगे परम धाम ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे और बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। ओम शांति।